अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सैयद नासर अली और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल गीक। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए सैटेलाइट डिश रिसीवर के वाले से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक टीवी बॉक्स, जिसे आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स कहते हैं, और एक डिश रिसीवर, मीन के इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपको एंड्रॉयड बॉक्स बाय करना चाहिए या डिश रिसीवर बाय करना चाहिए, तो मुकम्मल डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। दोनों के आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा, इनके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा और इनके तमाम फीचर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल की सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड, चलते हैं और आपको बताते हैं कि एक टीवी बॉक्स और एक डिश रिसीवर में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड, सबसे पहले डिश रिसीवर की बात कर लेते हैं। डिश रिसीवर के बारे में तो आपको पता ही होगा, डिश रिसीवर डिश एंटीना के साथ यूज़ किया जाता है। इसके साथ आप डिश एंटीना की केबल लगा के सेटेलाइट टीवी चैनल वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी इसमें वाईफाई एंटीना अटैच करके आप यूट्यूब, सीलन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, मीन के सेटेलाइट के पेड चैनल भी आप देख सकते हैं इस डिश रिसीवर की मदद से। इसके बरक्स फ्रेंड, ये जो एंड्रॉयड बॉक्स है, ये जिसे आप टीवी बॉक्स भी कहते हैं, इसमें आप डिश एंटीना नहीं लगा सकते, मीन के डिश एंटीना की केबल सेटेलाइट टीवी चैनल आप डायरेक्ट इस पर नहीं देख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आप फ्रेंड प्ले स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हैं, जैसा प्ले स्टोर पर आती हैं, जैसा यूट्यूब है, बच्चों की गेम्स हैं, फेसबुक है, मीन के जितने भी फीचर्स आपके मोबाइल पे हैं, वो तमाम फीचर्स आप इस एंड्रॉयड बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। इस एंड्रॉयड बॉक्स को आप अपनी टीवी स्क्रीन के साथ अटैच करके अपनी टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। इसमें आप लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं, लेकिन डिश एंटीना की केबल आप नहीं लगा सकते। आप फ्री लाइव टीवी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी रिटेलर से IPTV का अकाउंट बाय करके उस IPTV की मदद से आप इसमें चैनल देख सकते हैं। बाकी इसमें आप 4K वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड मेन डिफरेंस है एक डिश रिसीवर और एंड्रॉयड बॉक्स में। तो ये एंड्रॉयड बॉक्स आपकी टीवी को एक स्मार्ट टीवी बना देता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब टीवी स्क्रीन की तरफ मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जी तो फ्रेंड, ये मैंने डिश रिसीवर को अपनी टीवी स्क्रीन के साथ अटैच कर दिया है। तो ये डिश रिसीवर है, इसमें आप एंटीना सेटिंग में जाकर चैनल वगैरह ट्यून कर सकते हैं। इसके अलावा इस पर आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं, लेकिन डिश रिसीवर को चलाने के लिए आपके पास डिश एंटीना का होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इसके बरक्स जो हमारे पास टीवी बॉक्स होता है, एंड्रॉयड बॉक्स होता है, उसके साथ आप डिश एंटीना को नहीं लगा सकते, और डिश एंटीना के बगैर ही आप फ्री में IPTV एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, लाइव टीवी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और तमाम चैनल डिश एंटीना के बगैर देख सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे पेड IPTV सब्सक्रिप्शन भी हैं, वो आप बाय करें और डिश एंटीना के बगैर आप तमाम चैनल देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप लामहदूद एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो ये डिश रिसीवर का तो आपको ज़्यादा पता होगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊँगा। तो मैं अभी एंड्रॉयड बॉक्स को टीवी स्क्रीन के साथ अटैच करता हूँ और उसके फीचर आपको बताता हूँ। जी तो फ्रेंड, ये मैंने एंड्रॉयड बॉक्स को टीवी स्क्रीन के साथ अटैच कर दिया है। अभी इसका डिस्प्ले आ जाता है फ्रेंड, इसके फीचर भी मैं आपको बताता हूँ। तो काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि एक सेटेलाइट रिसीवर और एक टीवी बॉक्स या एंड्रॉयड बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा एक छोटी सी वीडियो बना के आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बता दूँ कि एंड्रॉयड बॉक्स और सेटेलाइट रिसीवर में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड, मेरे पास ये एवेंचुअली का एंड्रॉयड बॉक्स है, 4GB इसकी रैम है और 32GB इसकी मेमोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये ऑन हो जाता है। फ्रेंड, ये जस्ट लाइक जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, उसी तरह आपकी जो टीवी है वो स्मार्ट टीवी बन जाती है। इसमें आपके पास ये देखिए ये तमाम फीचर आ जाते हैं। आप इसमें प्ले स्टोर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, प्ले स्टोर में हम जाएंगे तो यहाँ से आप इसमें एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और बात कि डिश रिसीवर में भी ऐसे डिश रिसीवर मार्केट में अवेलेबल हैं जिनमें सेटेलाइट रिसीवर का फंक्शन भी होता है और साथ ही एंड्रॉयड सिस्टम भी होता है, मीन के एंड्रॉयड रिसीवर होते हैं वो हाइब्रिड। उनमें आप एंड्रॉयड के फीचर भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल डिश रिसीवर
के जो फीचर है मीन कंडीशन टीना की केबल लगा के टीवी चैनल वगैरह भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये शायद इंटरनेट मेरा थोड़ा स्लो है इसलिए ये शो नहीं हो रहा, मैं दोबारा से इसको ओपन कर देता हूँ। तो ये प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पे आप एप्लीकेशन जैसे अपने मोबाइल फ़ोन में आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं इस तरह आप अपने टीवी पे भी ये तमाम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसी तरह यहाँ पे आप यूट्यूब की वीडियो फुल 4K और 6K रिजल्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए मैं वीडियो ओपन करता हूँ, ये यूट्यूब यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली चलती है फ्रेंड। रिसीवर में हालांकि इतनी अच्छी तरह यूट्यूब नहीं चलती, लेकिन एंड्रॉयड बॉक्स में जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब देखते हैं इसी तरह यहाँ पे भी आप YouTube यूज़ कर सकते हैं। तो Android बॉक्स बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली जो दोस्त स्मार्ट TV बाय करना चाहते हैं तो वो दोस्त अपनी सिंपल TV को भी स्मार्ट TV बना सकते हैं। ये देखिए फीचर इसके आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसके फीचर आपके सामने देखिए। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, जो वीडियो प्ले करना चाहते हैं आप वीडियो प्ले भी कर सकते हैं, बहुत ही इसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। तो फ्रेंड इसके अलावा लामहदूद फ्री IPTV की एप्लीकेशन है, फ्री लाइव टीवी वाली एप्लीकेशन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप PTCL यूज़र हैं तो अगर 6 MB इंटरनेट है आपके पास तो ये PTCL स्मार्ट TV आप ऐप इंस्टॉल करें, इसमें पाकिस्तानी जितने भी चैनल हैं वो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। इसका आपको काउंट दिया जाता है फ्रेंड्स, वो काउंट आप लगा के जितने भी चैनल हैं वो आप फ्री में देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये आज की वीडियो थी कि एक सेटेलाइट रिसीवर और एक एंड्रॉयड बॉक्स या TV बॉक्स में क्या डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।